इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है मुंबई मेट्रो से जुड़ी। दरअसल मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यानी MMRDA ने मेट्रो 5 कॉरिडोर के दूसरे फेज के निर्माण की योजना में बदलाव कर दिया है। दूसरे फेज का निर्माण अब दो चरणों की बजाय एक साथ किया जाएगा। MMRDA ने पहले कॉरिडोर के अंडरग्राउंड मार्ग और एलिवेटेड मार्ग का निर्माण अलग अलग करने की योजना बनाई थी, लेकिन कुछ दिन पहले सरकार की तरफ से अंडरग्राउंड मार्ग को हरी झंडी मिलने के बाद प्राधिकरण ने योजना में बदलाव कर दिया है। MMRDA के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक जल निर्माण कार्य शुरू करने के लिए अंडरग्राउंड मार्ग और एलिवेटेड मार्ग तैयार करने के लिए अलग अलग टेंडर के बजाय एक टेंडर जारी किया जाएगा। इससे समय की बचत होगी, साथ ही काम में भी तेजी आएगी। स्थानीय लोगों के विरोध के चलते पिछले 4 साल से भिवंडी से कल्याण के बीच मेट्रो मार्ग तैयार करने का काम रुका हुआ था। विरोध के चलते विवादित मार्ग को छोड़ MMRDA ने बचे हुए मार्ग पर निर्माण कार्य शुरू करने का फैसला लिया था। ठाणे भिवंडी कल्याण के बीच मेट्रो 5 कॉरिडोर तैयार हो रहा है। ठाणे से भिवंडी के बीच 70% तक का मेट्रो मार्ग तैयार हो चुका है, जबकि भिवंडी से कल्याण के बीच अब तक काम शुरू नहीं हो पाया है। लोगों के विरोध को ध्यान में रखते हुए MMRDA ने पूरे 24.9 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड मार्ग में से करीब 3 किलोमीटर मार्ग का निर्माण अंडरग्राउंड करने का फैसला लिया था। MMRDA के अंडरग्राउंड मार्ग तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए सरकार के पास भेजा गया था। कुछ दिन पहले ही सरकार ने MMRDA के प्रस्ताव को मंजूर कर दिया है। वहीं सरकारी मंजूरी के बाद प्राधिकरण ने भी जल निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है।